मैं आज सभी औपचारिकताओं को बाद में कहूं, पहले एक बार उस भारत माता की वंदना कर लें जिसे पूरी दुनिया में हम हिम माता कहा है। तो एक बार आपका कर्तव्य ध्वनि से ऐसी आवाज उठे माता के प्रति, जैसे आज विश्व में योग छा गया है, वैसे ही आपकी आवाज छा जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली आप हम हैं कि गायत्री परिवार जो एक शक्ति का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, उनके कार्यक्रम में भागीदार होने का अवसर मिला है। उससे भी ज्यादा इस राज्य के केवल प्रथम नागरिक नहीं, केवल महामना नहीं, बल्कि एक विचार के भी महामना है, जो निचली पंक्ति पर बैठे लोगों को एक आदर्श देने का काम करता है, परम आदरणीय महामना राज्य में। मैं इस मंच पर जिनके कारण इस परिवार से जुड़ने का अवसर मिला, परम आदरणीय सत्येंद्र राय जी, मैं इस मंच पर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो सत्ता पर भी रह करके, जो ब्यूरोक्रेट्स की एक अलग चाल होती है, उन्होंने कभी उस चाल में ताल नहीं मिलाया। ऐसे दो व्यक्ति हैं, लेकिन मैं परम आदरणीय गौतम साहब का कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूं। परम आदरणीय मधेश्वर बाबू केवल 92 साल का नहीं है, बल्कि बिहार के वरिष्ठ अधिकारी, अवकाश प्राप्त IAS ही नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति का एक पताका लिए हुए आज भी गलियों में, गांवों में घूमते रहते हैं। मैं उनका भी नमन करता हूं। और जब मैं इस कार्यक्रम में आया हूं, युवाओं को देख रहा हूं, जब पहली बार मैं इनके कार्यक्रम में आया था, मुझे लगा ये कौन युवा हैं। आज 1 लाख से अधिक युवा इनके साथ जुड़े हैं। ये वे लोग हैं जहां भारत के संस्कृति को दूषित करके संडे का अलग जलसा मनता है, और ये मनीष जी संडे को युवाओं को, रविवार को भारत की संस्कृति के साथ जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैं इन युवाओं को भी नमन करता हूं, इन माताओं को भी नमन करता हूं, मनीष जी को भी नमन करता हूं। हमारे केवल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल में सचेतक नहीं, बल्कि हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ के विधायक हैं, माननीय अरुण कुमार जी, और दिग्घा के विधायक संजीव चौरसिया जी, जो बचपन से ही विद्यार्थी परिषद से लेकर के अब तक अपने आप को समाज में जोड़ने का काम किया, धीरेन्द्र जी, राजीव जी और अनिल शर्मा जी, जो यहाँ सभी आज उपस्थित हैं, पत्रकार मित्रों, ये कोई भाषण देने का विषय नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि कभी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में ले जाने का काम किया था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया में
आज 191 देशों ने इसे स्वीकार किया है, ये हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकता। योग, कई लोगों ने इसका जब पिछले वर्ष हुआ विवाद करने का काम किया, बड़ा कष्ट हुआ। यह कोई धर्म नहीं, यह जीवन शैली है, और जीवन शैली में अनुशासन जीवन को देता है, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकता। रामदेव बाबा ने कहा, जिसे ओम कहने में परहेज है वो आमीन कह ले, क्या फर्क पड़ता है, कह तो ले। कुछ लोगों ने कहा है, मैं योग तब स्वीकारूंगा जब ये चीज होगा तो। मुझे नरेंद्र मोदी से चीड़ हो सकता है, महामहिम से चीड़ हो सकता है, लेकिन महामहिम के कार्यों से चीड़ नहीं हो सकता। ये हमारी संस्कृति है। योग एक ऐसा विषय है, योग से किसी को नहीं चीड़ना चाहिए, योग को अपनाना चाहिए। केवल अपने ही नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि समाज को इसके साथ जोड़ना चाहिए। आज मैं कल उत्तर प्रदेश में था, रायबरेली में, मैंने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में योग एक उत्सव सा माहौल बन गया। वहां उत्तर प्रदेश के महामहिम का वक्तव्य मैंने समाचार पत्रों में देखा। उन्होंने कहा, योग के कारण मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया है, वो मेरे अंदर एक रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हुआ, और मैं 22 साल पहले रोग से ग्रसित था, जब से मैंने योग को अपनाया रोग मुक्त हो गया। यह है योग का। मैंने देखा एसोचेम ने कहा कि आज कारपोरेट जगत में, आज जब बच्चे स्कूल में जाते हैं उसी समय से उनके माथे पर एक प्रेशर होता है, पैकेज पैकेज, क्या कर रहा है बेटा, अभी अभी एडमिशन लिया, क्या होगा, अच्छा पैकेज मिला है, ये पैकेज का भार बच्चों के कंधे पर बक्से के रूप में रहता है, बैग के रूप से लेते लेते जब वो नौकरी करता है तो उसे टारगेट के रूप में आ जाता है, और उसके बॉस कहता है टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। एसोचैम ने एक वक्तव्य दिया है, एक आंकड़े दिया है कि आज जिन कारपोरेट घरानों ने योग को अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया, आज उसकी संख्या 35% से अधिक हो गया है, कार्य क्षमता बढ़ गया है। ये योग का गुण है, ये योग का गुण है। इसलिए ऐसे अवसर पर मैं पतंजलि महाराज को नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ऐसा दिया है, अस्त्र दिया है, शस्त्र दिया है। मैं उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।